हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बहुत पॉजिटिविटी से आप लोग भरे होंगे, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है कि अब बच्चे इंडिकेशंस आने लगे हैं कि पेपर जल्दी से जल्दी होंगे। एनसीईआरटीसी का एडमिट कार्ड आ चुका है, एनएचपीसी का भी एग्ज़ाम तैयार है। बात करते हैं आज के इस एनालिसिस के बारे में, आज के इस वीडियो के बारे में। वीडियो शॉर्ट रखेंगे और जानकारी बड़ी और बारीक रखेंगे। तो यूटिलाइजेशन थोड़ा सा, ये जो सब्जेक्ट है, बच्चे बहुत टेढ़ा सब्जेक्ट है, पर याद रखिए क्योंकि मेरा है तो मैं इसे आसान बना दूंगा। अब ये टेढ़ा क्यों है? क्योंकि यार ये लिंक्ड करता है थोड़ा सा प्रैक्टिकल चीज़ों से, जो डेली टू डेली लाइफ में भी हम लोग यूज़ करते हैं और उतना हम लोग नज़रअंदाज भी कर देते हैं, ज़्यादा उसे जानने की कोशिश नहीं करते, उन टॉपिक्स को ये रिलेट करता है। यूटिलाइजेशन के बिना आज की डेट में कोई एग्ज़ाम निकालना थोड़ा सा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उसी का ही मैं रीज़न बताने आया हूँ कि क्यों इमेजिन नहीं कर सकते बिना यूटिलाइजेशन के आगे पेपर निकालना। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं आपके लिए जो ये एनालिसिस लेके आया हूँ, पूरी एनालिसिस देखिएगा, फिर आपको सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। ये जो एनालिसिस है ना बच्चे, हर टीचर करके नहीं लेके आता, और मेरी स्टाइल ही यही है कि मैं पहले एनालिसिस करता हूँ फिर किसी सब्जेक्ट पर जंप आउट करता हूँ कि हमें कैसे तैयार करना है, उसे क्या प्लानिंग रखनी है, क्या प्लॉटिंग रखनी है, कहाँ से कितने टॉपिक आएंगे, क्या टॉपिक्स रहेंगे, कितने टॉपिक्स आ चुके हैं पेपर में इससे पहले, जो कि हमें देखने हैं आगे। यूटिलाइजेशन की बात करें बच्चे, पूरी की पूरी एनालिसिस मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, और रोज़ 8:30 बजे इसका बच्चे लेक्चर भी शुरू होने वाला है हम अपने JEE और TG2 दोनों चैनल्स पर। तो चैनल्स याद रखिएगा बच्चे, दोनों चैनल्स पर चलेगा, JEE और TG2 दोनों चैनल पर चलेगा, और ये एनालिसिस भी मैं जो लेके आया हूँ वो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो JEE का हो बच्चा या TG2 का, और दोनों को ये पता चलेगा पूरा लेक्चर देखने के बाद कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट। आइए बात करते हैं, डेटाबेस बात करता हूं बच्चे, मैं हमेशा कोशिश मेरी रहती है डेटाबेस बात करूं। UBPCL 2019 का 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे बच्चे, ठीक है। SSC JEE 2018 में बच्चे 12 शिफ्ट में पेपर हुए थे। DMRC 2017 में और 18 के पेपर की एनालिसिस लेके आया हूं, और TG2 2019 की बच्चे एनालिसिस लेके आया हूं। क्या एनालिसिस इतनी ही खत्म हुई है? नहीं, अभी लेटेस्ट एनालिसिस और है जो उसके बाद हम लोग करेंगे। सबसे पहले देखते हैं ट्रांसड्यूसर से बच्चे एक क्वेश्चन आया है, हालांकि ट्रांसड्यूसर टॉपिक मेजरमेंट का है, ये इसका टॉपिक नहीं है। खैर, सिंबल 6 क्वेश्चन, टैरिफ 3 क्वेश्चन, अर्थिंग 10 क्वेश्चन, हीटिंग 5 क्वेश्चन, वेल्डिंग 2 क्वेश्चन, इल्यूमिनेशन 12, BIS IES रूल्स पे 18 क्वेश्चन, वायरिंग पे बच्चे 10 क्वेश्चन, फिर सेल एंड बैटरी से बच्चे 6 क्वेश्चन, स्विच से 2 क्वेश्चन, लैंप से 2 क्वेश्चन। तो ये देखिए इतने कितनी डाइवर्सिटी है टॉपिक्स में, मतलब इतनी डाइवर्सिटी आप देखिए कि हर टॉपिक को कवर किया है, दो 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 तीन तीन पाँच पाँच, किसी में तो 10 क्वेश्चन पूछे हैं। बात करें बच्चे SSC JEE 2018 की, सिंबल से 2 क्वेश्चन, अर्थिंग से 2 क्वेश्चन, हीटिंग से 12 क्वेश्चन, वेल्डिंग से 19, इल्यूमिनेशन से 10, वेल्डिंग से 19 क्वेश्चन। अब बताइए 19 क्वेश्चन है पूरे 12 शिफ्ट में, है ना? तो कहीं ना कहीं हम छोड़ के नहीं जा सकते इसको, किसको? इल्यूमिनेशन को। लैंप से 29 क्वेश्चन, ठीक है, और वायरिंग से 12। अब आगे बात करते हैं बच्चे DMRC की, अर्थिंग से 1, इल्यूमिनेशन से 1, BIS IES रूल से 1, वायरिंग से 18 क्वेश्चन, स्विचेस से 7 क्वेश्चन, लैंप से 1, टैरिफ से 2, हीटिंग से 1, वेल्डिंग से 1, सेल एंड बैटरी से। अब एक दिमाग में बात आ रही होगी, किसे छोड़ें किसे पकड़ें? भाई सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कोई किसी में ज़्यादा आ रहा है किसी पेपर में, कोई किसी पेपर में ज़्यादा आ रहा है। UBPCL TG2 वाले बच्चों के लिए देख सकते हैं आप लोग, अर्थिंग से 5, इल्यूमिनेशन से 10, BIS रूल से 14 क्वेश्चन, वायरिंग से बच्चे 18, सेल एंड बैटरी से 24, और स्विचेस से 5 क्वेश्चन, और बच्चे लैंप से 18 क्वेश्चन आपके UBPCL TG2 2019 में आए थे। अब बात करते हैं बच्चे ये लेटेस्ट एग्जाम आपका UBPCL JEE 2021 का, शिफ्ट 1 से बच्चे 14 क्वेश्चन, पूरी 4 शिफ्ट में पेपर हुआ था, और देखिए पहली शिफ्ट में 14 क्वेश्चन, दूसरी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, तीसरी शिफ्ट में 20, और चौथे शिफ्ट में 14 क्वेश्चन आए थे यूटिलाइजेशन के। तो जब इतना इंपॉर्टेंट आपका ये सब्जेक्ट है तो छोड़ तो आप किसी भी हालत में नहीं सकते हैं, इस सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि NCERTC और NHPC के एग्जाम आप लोगों के लाइन से लगे हुए हैं। बिल्कुल भी ढील नहीं बरतनी है, रोज 8:30 बजे बच्चे मैं दोनों चैनल पर लाइव आऊँगा, इसके कुछ MCQs हम लोग करेंगे और कंसेप्ट भी थोड़े से समझेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चे, हम लोग पूरी भी तैयारी कर रहे हैं, NCERTC का एग्जाम आपका लाइनअप है, NHPC का लाइनअप है, तो टॉप 50 MCQs बच्चे हम लोग करते हैं रोज सुबह 0 to 0 बैच में, जिसमें हम लोग एक टॉप 50 क्वेश्चंस लेके आते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपने उस क्वेश्चन को तो जवाब देना ही देना है, साथ में और भी इससे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। तो ये याद रखिए, सुबह 7 शाम 7 का नारा, एक तो आपको बेटा सुबह 7 का नारा,
जो कि ऑब्वियसली जीरो टू हीरो बैच टॉप 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। और बच्चे शाम सात का नारा मैंने आपको दिया था जिसमें हम लोग ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉनिक्स करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स बच्चे अब शुरू हो रही है थ्योरी इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू हो रही है जिसमें कि हम लोग कितने बजे से बच्चे शाम 7 बजे से हम लोग शुरू कर रहे हैं, ठीक है। और 8:30 बजे बच्चे मेरा यूटिलाइजेशन के ये लेक्चर आपने देखना है। तो मुलाकात करते हैं यूटिलाइजेशन की क्लास में। एनालिसिस कैसी लगी, क्या आप चाहते हैं मैं और पेपरों के लिए ऐसी एनालिसिस लेके आऊँ, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। कैसी लगी एनालिसिस ज़रूर बताइएगा।